हाय गाइस, मैं हूं शोएब इब्राहिम और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फुस टीवी पर। थैंक यू। गाना रिलीज़ हो गया है और अब तक गाने को बहुत प्यार मिल रहा है। कैसे बताएं, यूट्यूब सोल म्यूज़िक स्टूडियो के यूट्यूब पेज पे आप देखिएगा उसको। अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं गाने को, वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो बस यही आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, गाने को प्यार दीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफरेंट था। इससे पहले भी मैंने सैड सॉन्ग किए हैं, बट इतना इंटेंस हार्ट ब्रेक रोमांटिक सॉन्ग है ये कि दिल टूटा हुआ इंसान, बिल्कुल पगलाया हुआ इंसान कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हुआ, किस लिए हुआ वो है। तो उसके लिए बहुत खुश हूँ कि वो चीज़ अच्छी निकल के आई है और लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी किए हैं बट ये एक्चुअल में डिफरेंट है। यही चीज़ घर वालों का भी बोलना था कि हाँ, ऐसा इंटेंस म्यूज़िक वीडियो तुम्हारा अभी हमने नहीं देखा है। एंड हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों पहले भी काम कर चुके हैं, मैं एंड सुरभि, तो उस टाइम भी लोगों को हमारी जोड़ी शो बहुत पसंद आया था। और टचवुड, ये गाना भी लोगों को उतना ही पसंद आ रहा है, जोड़ी उतनी पसंद आ रही है। तो थैंक यू गाइस। आज चेंजेस तो मुझे उसमें कुछ नहीं दिखे, वो पहले भी जैसी थी मस्तीखोर, आज भी वैसे ही है और वही हंसी मजाक, वही वॉर्म्थ, वही अपनापन उसमें आज भी है। एंड आई थिंक मतलब जब हम काम कर रहे थे हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम 5 साल के बाद मिल रहे हैं। ऐसा लगा था कि हाँ, अभी 2-4 दिन की तो बात थी, अभी फिर से वापस हम काम कर रहे हैं। एंड इसके सीन्स भी कुछ ना कुछ वैसे ही थे, तो हमें वो कोई लौट के आया ही पूरा वो याद आ रहा था ना, वैसा सेट भी वैसा ही था, चीज़ें थी, हंसी मजाक करते हुए कब सॉन्ग शूट हो गया पता ही नहीं चला हमें। फेवरेट लाइन, छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ, जो उसका हुक लाइन है, जैसे थे हम पहले हमें वैसा कर जाओ। शो के लिए भी यस, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है शो को भी, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं शो को। आगे बहुत कुछ है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि बहुत कुछ है। अभी हमने पूरा एक हनीमून का जो चंक है जो हमने वो शूट किया, उसमें बहुत कुछ है, उसमें रोमांस है, उसमें ड्रामा है। और किस तरीके से वो ड्रामा क्रिएट होता है, राजवीर अजूनी बिछड़ते हैं और फिर किस तरीके से मिलते हैं, क्या है, तो प्लीज़ वो आप देखिएगा, क्योंकि हमें शूट करते हुए बहुत मज़ा आया है। एक्शन भी अच्छा, चोटें भी बहुत आई हैं, ये देखो सब, ये सब है, वो सब चोटें भी बहुत आई हैं। तो आई उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वो देख के भी उतना ही पसंद आए, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। जल्दी दिखेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगता है कि साथ में करना चाहिए और ये हम दोनों के लिए ही बना है, तो डेफिनेटली जल्दी दिखेंगे। बिग बॉस में जेन्युइनली बोलूँ, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। घर पे सुबह निकल जाता हूँ मैं 7:30 के आसपास, रात में 10:30-11 बजे आना होता है, उसके बाद फिर इतना वक्त होता नहीं है कि मैं टीवी देखूँ। मैं बैठता हूँ दीपिका के साथ, उससे बात करता हूँ दिन भर की सारी चीज़ें, क्या हुआ कैसे हुआ, वो अपनी बातें करती है, एंड फिर इतना थका हुआ होता हूँ कि नींद आ जाती है। अब्दू, उसे भी अब्दू मुझे पसंद है और मुझे भी अब्दू बहुत पसंद है। मैं इंस्टा पे क्लिप्स वगैरह जो आती हैं वो मैं उसको देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। अब्दू बड़ा क्यूट है। सॉन्ग की मेमोरी यही है कि एक तो मेमोरीज सी, मेमोरीज ऐसे बनती हैं कि राजवीर के साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन है ये, सुरभि के साथ मैं 5 साल के बाद काम कर रहा हूँ, एंड जिस और ये मेरे लिए जो मैंने अब तक सॉन्ग्स किए हैं उससे कुछ डिफरेंट हटके है। एंड सेट की मेमोरीज तो बस ऐसे ही हैं कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए मेमोरी, एक ये भी आप कह सकते हो कि जब मैं सुरभि से मिला उसको इतने वक्त के बाद, जब पहली बार सेट पे मिला तो मैंने उसको गौरा कह के ही एक्नॉलेज किया कि गौरा, क्योंकि अभिमन्यु गीतांजलि को गौरा बोला करता था, तो वही है। तो ये सारी मेमोरीज हैं। मुझे सी वही 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 बात घूम के आ गई कि ट्रोल तो इंसान फिर किसी को भी करता है, ट्रोल तो इंसान हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है, बट ठीक है वो अपना है। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। कपड़ों के लिए ट्रोल किया, लोग
लोगों की अपनी अपनी पसंद है, लोगों की कि उनको शायद कुछ और चाहिए होगा, वो किसी और तरीके से देखना चाहते होंगे सभा को, लेकिन हम जिस तरीके से देखना चाहते थे वो हमें दिखी है और आई थिंक हम खुश हैं, हमारी फैमिली पूरी खुश है, हमारी फैमिली बहुत सेटिस्फाइड है इस चीज़ को लेके कि नहीं यार जो भी था बहुत अच्छा था। तो आई थिंक ये ज़्यादा मैटर करता है। वो मैं आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ें हैं और दो तीन गाने हैं जो कि अभी शूट होने बाकी हैं, तो जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आई लव यू गाइज, इतना प्यार देते हो आप सब, इतना दुआएं देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप हैं तो हम हैं, ऐसे प्यार बरसाते रहिए और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हम सब कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके सामने लाते रहें। थैंक यू।